नमस्कार। मीन राशि पर चार ग्रहों की युति अगले मास पहले सप्ताह में ही होगी। मीन राशि पर चार ग्रहों की युति, इसको चतुर्ग्रही योग कहा गया है और खास तौर से ये उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र को स्पर्श करते हुए, यानी कि इन नक्षत्रों से मिलकर ये योग बनेगा। इस अवधि में बुध क्या कहता है और बुध की क्या स्थिति होती है, ये अलग स्थिति होगी। सूर्य, शुक्र, राहु और चंद्रमा क्या कहते हैं, उनकी स्थिति अलग होगी। शनि और मंगल, इनकी युति, इसकी स्थिति अलग है। लेकिन जो चार ग्रह हैं, चार ग्रहों का एक साथ होना, ये एक खगोलीय विशेष और बड़ी घटना कहलाती है। क्योंकि शास्त्रों में जब दो ग्रह एक साथ मिलते हैं तो उनके विशेष गुण, शुभ अशुभ प्रभाव, या उनकी मैत्री या उनकी शत्रुता, या उनके भाव देखे जाते हैं, किन राशियों के स्वामी हैं और कहां स्थित होकर के बैठे हैं, किस राशि की कक्षा में हैं और कितने अंश पर हैं, वो सृष्टि में कौन से बदलाव रखने की क्षमता रखते हैं, ये चीज ये विचारणीय प्रश्न होता है सभी ज्योतिषियों के लिए। और उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि मीन राशि पर चार ग्रहों की स्थिति, सूर्य, चंद्र, राहु और शुक्र, यहां क्या है, दो ग्रह तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, चंद्रमा और शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है उच्च राशि में है और चंद्रमा मित्र राशि में माना जाता है, तथा इस दिन अगर लाभ होगा किसी को, किसी के शुभ ग्रह चल रहे हैं, अच्छी महादशा चल रही है, तो पांच गुना लाभ होगा उस व्यक्ति को, पांच गुना लाभ। अगर किसी के खराब ग्रह चल रहे हैं तो पांच गुनी हानि, पांच गुना नुकसान भी होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह होगी कि मीन राशि वालों को खासतौर से उस दौरान सरलतापूर्ण काम करना चाहिए। अब 12 राशियों के लिए किन किन राशियों को क्या क्या कष्ट होगा, ये बात तो हम बताएंगे ही, साथ ही साथ पहले 12 राशियों की चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के लिए द्वादश भाव में होगा ये जो चतुर्ग्रही योग है, वो अच्छा फल नहीं देगा। वृषभ राशि के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि लाभ स्थान में। मिथुन के लिए नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता के लिए शुभ तथा नौकरी के लिए शुभ, और कुछ स्थान परिवर्तन, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, पैसा, सब कुछ मिलेगा। कर्क के भाग्य स्थान में होंगे ये चार ग्रह। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा उनमें शामिल होगा, उन चार ग्रहों में, और वो भाग्य स्थान में होंगे आपके लिए। तो इस दौरान जो भी पाप ग्रह है, जो आपको कष्ट देता है या दे रहा है या दे सकता है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, वो नुकसान नहीं देगा आपको। सिंह राशि के अष्टम भाव में होगा तो चिंताजनक होगा, लेकिन उस दिन सिंह राशि को अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखना है। चलते फिरते, उठते बैठते, वाहन चलाते समय, बातचीत करते समय, खरीद और फरोख्त करते समय, सीढ़ी से उतरते और चढ़ते समय थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा होगा। नकारात्मक सोच अपने मन में बिल्कुल ना रखें। कन्या राशि के लिए दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला समय रहेगा, क्योंकि कन्या पर पहले से ही केतु है और चतुर्थ भाव के साथ साथ सप्तम भाव, ये दो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, तो कन्या के सप्तम भाव पर आ गए हैं ये चार ग्रह, तो खट्टे मीठे मिले जुले परिणाम होंगे। क्योंकि जीवन साथी की कुंडली में अगर सप्तम भाव में अच्छा ग्रह है मीन राशि पर तो अच्छा प्रभाव, लेकिन उस दौरान किसी से पार्टनरशिप ना करें, कोई दोस्ती ना करें। और कुछ लोग ज्यादातर कमेंट करते हैं कि हमारी
लव लाइफ के बारे में नहीं बताया, इन बातों में हम अपना समय नहीं गंवाते हैं और ना किसी को सलाह देते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछिए हमसे, ये समय की बर्बादी है। तो सप्तम भाव अपने जीवन साथी और लाइफ पार्टनर या जिसको आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं या चाह रहे हैं उससे मन मुटाव की संभावना बन सकती है। और उसके अलावा तुला के लिए अच्छा फल देने वाले ग्रह नहीं है, क्योंकि छठे भाव में आ गए हैं और द्वादश केतु भी है। मेन चीज इसमें यही है कि बृहस्पति सप्तम भाव में है, अकेला शुभत्व प्रदान करता है, और ये जो कंपटीशन, झगड़े, झंझट, कई प्रकार की परेशानी, और ये जो छठा भाव है, कई प्रकार के असंतोष उत्पन्न करता है। और आपका जो ननसाल पक्ष है, मामाओं का पक्ष है, उनके लिए भी कुछ समस्या उत्पन्न करता, मामाओं के लिए। वृश्चिक राशि के लिए ये युति अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाली होगी, धन के लिए और भी अच्छी होगी, कुछ घर में सुख समृद्धि, प्रसिद्धि, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन तथा अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण, अच्छे गिफ्ट आपके घर में आएंगे, नहीं तो आप अच्छी चीज कोई खरीद करके उस समय अपने घर पर लाएंगे, आपके पितृ देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और उस समय सूर्य, चंद्र और राहु तीनों एक साथ हैं, तो पितृ दोष निवारण के लिए इससे बढ़िया समय और कोई नहीं हो सकता। यह स्थिति 8 अप्रैल को बनेगी। कुछ व्यक्ति बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर कि फला फला नेता है, फला आदमी है, उसको पितृदोष क्यों नहीं है, ऐसे सवाल मत पूछो। और क्योंकि ये राजनीतिक प्रश्न होते हैं, हमें किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई बात नहीं करनी है, आपको अपना देखना है, अपना देखना है। जो विदेशों में बैठे हमारे सब्सक्राइबर और दर्शक हैं और भारत में जो रह रहे हैं अच्छे लोग, हमारे शुभ चिंतक, उनके लिए हम शुभ सोचते हैं कि उनको उस दिन एक पैकेट दूध या सफेद वस्त्र दान करना चाहिए जिनके लिए चंद्रमा खराब बताया गया है, अर्थात खास तौर से सिंह के लिए और धनु के लिए और मेष राशि के लिए उस दिन ध्यान दें। और मकर राशि के लिए ये युति सबसे अच्छी रहने वाली है, चार ग्रह एक साथ होंगे। कुंभ के लिए धनदायक स्थिति होगी, पेट का रोग जरूर रहेगा, लेकिन मीन के लिए मिला जुला फल, उस दिन अच्छा खान पान, अच्छे अच्छे मित्रों से भेंट और धन खर्च भले ही होगा, लेकिन आपका रुतबा, आपका ऐश्वर्य, आपकी प्रसिद्धि, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन कुछ मित्र आपके साथ विश्वासघात भी करेंगे, क्योंकि ये दौर ऐसा चलेगा, लोग चाय तो आपकी पिएंगे और आशीर्वाद और भलाई दूसरों की करेंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे द्रोणाचार्य जी भोजन तो करते थे कौरवों का और आशीर्वाद देते थे पांडवों को, ऐसी स्थिति मीन राशि के लिए हो रही है, क्योंकि आपके इष्ट मित्र गण आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको पूर्णिमा और अमावस्या को दूध का दान करना, जरूरतमंद व्यक्ति को पिला भी सकते हो और भगवान शिव के मंदिर में दान भी कर सकते हो। भगवान शिव का जल से और दूध, घी, दही, शहद से अभिषेक भी कर सकते हो, ये आपके लिए शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।